जय हिंद। आज पुलअप्स जो हमारा आर्मी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हैं, हर तीसरा बंदा बाहर। ठीक है, इसमें फिजिकल लगाते ही बॉडी थकने के बाद उस पर पुलअप नहीं लगती, 10 नहीं लगती या 6 से ही बाहर हो जाता है। अगर लग जाती है, 6+ लग जाती है तो पूरे 10 नहीं लग पाते। पर आज जिसने ये वीडियो देख ली वो मात्र मात्र 2 या 3 दिन के अंदर पूरे 10 से प्लस पुलअप्स लगा लेगा। और कुछ तरीके बताऊंगा और कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो पावर बढ़ाएगा। तुम रनिंग करते हो, 1600 मीटर की तैयारी करते हो, ठीक है। अब 1600 मीटर की तुम तैयारी करते हो, एक बात बताओ, क्या तुम डेली 1600 मीटर भाग रहे हो? वर्कआउट कर रहे हो ना, 100 मीटर भागना, 400 मीटर लगाना, 600 मीटर की रेपिटेशन लगाना, जिससे पावर आए। अब तुम डेली सिर्फ पुलअप्स मारोगे तो तुम्हारी पुलअप्स थोड़ी ना बढ़ेगी, उसके लिए पुलअप्स की एक्सरसाइज करोगे जब पुलअप बढ़ेगी। ठीक है, तो जो ये चीज समझ गया ना तो ये वीडियो वो पूरी देखेगा। और अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि पुलअप लगाने के क्या तरीके हो सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे पुलअप लगाने के सबसे बड़े गलती, बड़ी गलती कि पुलअप लोग कैसे लगाते हैं। कोई भी पहले एक जना आ जाओ, कोई भी टंग जाओ, आ जा तू आ जा। तो आप हमारी अकेडमी में भी आ सकते हो और हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, पीजी अवेलेबल है, रहना खाना पीना हॉस्टल से अच्छा होता है, पीजी ग्राउंड है, सब कुछ है, अच्छे से तैयारी होगी। रिव्यू पूछ लेते हैं आज, वैसे वर्क क्या किया क्या नहीं किया? हाँ, वर्क क्या किया आज? 800 400 सूट लगाए थे यार। कितने? आठ आठ 400 की? आठ आठ। वर्क कैसे चल रहा है? अच्छा। और तेरी हालत किस पर खराब हो गई थी? सातवें पर। सातवें पे? हाँ। कती? हाँ। मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया। पिटा नहीं? पिटा पिटा पिटा। हाँ ठीक है, तो वर्क करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ भाई, तैयारी कैसे चल रही है? कमर में दर्द अभी थोड़ा 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 है भैया। हाँ, इसके बोल सकते हैं नॉर्मल प्रॉब्लम है और वो रनिंग के ही साथ जाएगा। वैसा पेन नहीं है जो नॉर्मली कमर में दर्द होता है। इसकी जो मसल है बीच में फंस रही है साइड वाली, वो हमारे बहुत बार पेन हुआ पड़ा है, तो इसलिए हमें पता है कि कौन सा पेन कब कैसे हो रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एथलेटिक्स की लाइन में। ठीक है, तैयारी सही चल रही है? कोई आना चाहे तो आ सकता है। खूब बड़ी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। है खूब बढ़िया चल रही है। हाँ, हमारा माहौल कैसा है? बढ़िया माहौल है, बिहेवियर अच्छा है। कभी ऐसी फेंक रहा हो? नहीं, बढ़िया सही में। हाँ, और साथ रहते कोई दिक्कत साथ या ऐसे कि वर्कर नहीं? नहीं, तुम कहाँ और हम कहाँ, नहीं ऐसे मतलब ही कोई नहीं? दिक्कत नहीं है, सब सही है, सब सही बढ़िया बढ़िया। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना चाहे तो भेज सकता है भेज वो? सकते हैं? हाँ सही चल रहा है। सही। हमारा फीस क्या है? 3000 रुपये वैसे टोटल टोटल पीजी का? पांच पाँच पीजी का। हज़ार और हाँ, पहले ग्राउंड महीना कितना है? आठ। आठ दूसरे महीना? छः। ठीक छः है, सब कुछ है उसमें, रहना खाना पीना प्रैक्टिस सब कुछ उसमें ही आ गई है ना। यस। ओके, कोई भी आ सकता है, गर्ल्स भी और बॉयज़ की। और हाँ, गर्ल्स के लिए कोई फी? कोई फी नहीं कोई है, फी फ्री नहीं है, बस उनका है। जो रहना खाना पीना है बस वो उन्हें देना पड़ेगा, और ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, जो एडमिशन फीस होता है। लग भाई, बहुत बारिश हुई है तो थोड़ा एरिया गीला आ जा, चट लटक जा। हाँ ठीक है, अभी लटका हुआ है, थोड़ा पास लिया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, या तो हाथ बाहर खोल लेते हैं, खोल बाहर हाथ। हाँ, और खोल। ठीक है, सोचते हैं ज़्यादा हाथ बाहर खोलने से पुलअप लग जाएगी, नहीं। या तो बहुत पास ले आते हैं, पास लिया, इतना पास लिया जितना मेरा आता है, और लिया और लिया और लिया और लिया और लिया, इतना पास ले आते हैं। सोचते हैं जितना हाथ पास रहेगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी खींचेगी। और मैंने अभी कल ही यूट्यूब पे वीडियो देखा था पुलअप पे, बहुत अच्छी एकेडमी भी है उसकी, उसने खुद बोला है कि पुलअप जो है जितना हाथ पास रहेगा उतना पुलअप अच्छा लगेगा। नहीं, गलती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, कैसे होता है, जो हमारे पैर है, हमारा बॉडी है, जैसे जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हमारा हैंड होगा, वो सबसे बेस्ट है पुलअप लगाने का तरीका, ना इससे बाहर ना इससे अंदर। जितना हमारा शोल्डर है, जितना हमारे बॉडी पोस्चर है, उतना ही हमारा हाथ जाएगा, मतलब ये वाला मोशन रहेगा। ठीक है, समझ गया ना? उतर, नीचे उतर, रिलैक्स हो। ठीक है, अब लटक, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल शोल्डर के बिल्कुल सीधा हाथ। हाँ, थोड़ा और कम कर, हल्का सा हल्का सा। हाँ बस, ठीक है, हल्का सा और वाइड का, बस बिल्कुल शोल्डर के, मतलब जो हमारी ये शोल्डर की जहाँ फिनिश हो रही है ना, वो बिल्कुल ये लाइन आनी चाहिए हमारी। ठीक है, अब देख लो आप, ये बिल्कुल परफेक्ट है। एक लगा पुलअप। अब यहाँ पे लोग पुलअप कैसे लगाते हैं? ठीक है, अब पुलअप लगाने के ऊपर पकड़ते हैं, डाउन, रिलैक्स हो थोड़ा। हाँ, अभी इनका बहुत हार्ड वर्कआउट हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनकी बॉडी कांपेगी। जस्ट अभी डायरेक्ट हम वर्क पुलअप लगाने आए हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये मैं सोचना कि इन पर पुलअप नहीं लग रही, क्योंकि ये वर्क बहुत हार्ड। क्या वर्क किया है? 400 फुट लगाए थे यार। आठ आठ। हाँ ठीक है, बढ़िया थी। बढ़िया, पाव निकल गई तेरी तो। बढ़िया। हाँ चलो बढ़िया, चलो लटक, अब दोबारा लगा अपने हिसाब से जैसे तू लगा सकता है। ठीक है, देखो डाउन। अब इसमें क्या गलती है कि बॉडी पूरा नू खींच के ऐसे कर रहा है। ठीक है, बॉडी का पोस्चर जो हमारा ये है ना, हाथ पे तेरी पावर होनी चाहिए, हाथ को टाइट रखना है और हाथ को टाइट रख के ही खींचना है। ठीक
ठीक है, बॉडी हमारी जितनी स्ट्रेट रहेगी और पैर हमारे जितने स्ट्रेट रहेंगे और बैलेंस बना के रखोगे उतना इजिली तुम अप जाओगे और उतना इजिली नीचे स्मूथ आओगे। ठीक है, इबर हटियो, मेरे को भी नहीं पता कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत दिन हो गए। पकड़ा, ठीक है, पकड़ के बिल्कुल सीधा और सीधा डाउन, ठीक है, सीधा सीधा डाउन, और जितना ऐसे करोगे ना उतना ही नहीं लगेगी, और जितना स्मूथ जाओगे उतना लगेगी। ठीक है, स्मूथ गए और स्मूथ है लगे ना। अब मैंने खूब टेढ़ा करके खींचने की कोशिश करी, नहीं लगी, तो वही तरीका होता है। ये हमारे मेन चीज होगी कि लगाने का तरीका क्या हो सकता है, अब इसे इम्प्रूव करने के तरीके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ले मेरे को फोन ओवर दे दे, आ जाओ मेरे सामने आओ, एक जना कोई भी आ जाओ, हाथ दे हाथ दे हाथ 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 दे हाँ। अब क्या करना है, सपोर्ट ले लेना किसी का भी, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वॉल हो या कोई बंदा हो, तो कोई आपका साथ ही हो तो वो बेहतर रहता है। कैसे करना है, हाथ आगे कर, जैसे पहलवान लड़ते हैं ना पहलवान, ऐसे इस पैर के अपोजिट अपना पैर कर, हाँ ऐसे रख, हाँ शाबाश। ठीक है, घर देख लो, हमारे पैर के पोजीशन देख लो, मेरा ये वाला राइट वाला आ गया है, इसका भी राइट वाला आ गया, ऐसे रहना है। ठीक है, हाथ ऐसे, अब क्या करना है तेरे को, हाथों को पुश करना है एक एक करके, ये वाला फेंक मार, हाँ मार पूरा जान दे, हाँ शाबाश, रुक 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 ऐसे नहीं करना, देख ऐसे करना है, जैसे ये गया मैं इस, फिर तू इसको धीरे धीरे लूज करियो, फिर इसको फेंकियो लंबा, ठीक है समझ गया ना, चल हाँ फेंक, हाँ फेंक सब उसको फेंक, शाबाश फेंक इसको, फेंक 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 फेंक, शाबाश फेंक इसको, अब लगा जोर, चल फेंक लगा, चल शाबाश, चल इसको फेंक, इसको फेंक, चल रिलैक्स, पावर लग रही है, लग रही है ना पावर, लग रही है ना सही में। तो जो आपका साथी लगवा रहा है ना उससे बोलना कि हाथ टाइट रखे, इतना टाइट रखे कि मैं पुश करूं तो मेरे हाथ में पावर आनी चाहिए, लगना चाहिए जोर, इससे क्या होगा हमारे शोल्डर में जो है अच्छे से पावर बनेगी। दूसरा हमारा पुशअप, अब पुशअप नॉर्मल तरीके से नहीं करना, पुशअप करना, अगर आपको पुलअप बढ़ानी है तो पुशअप कैसे करनी है देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा पीछे नीचे बैठ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, अब पुशअप कैसे लगानी है देखो, आपको क्या करना है पूरा हाथ ऐसे रखना है और ऐसे नहीं खोलना हाथ बाहर, आपको करना है बिल्कुल इस तरीके से इन रखना है ऐसे, ठीक है, जितना आप ये इन रख के उठाओगे उतना ही हमारी पुलअप की वो होगी, क्योंकि हम पुलअप ऐसे खींचते हैं ना कि ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी दो एक्सरसाइज, सबसे बड़ी एक्सरसाइज हम जिसे बोल सकते हैं। अब इसी के अंदर ही पुलअप अगर जिसको इंप्रूव करना है, लटको एक जना कोई सभी आ जा, लटक लटक चढ़ जा, ठीक है, और जितना स्लो स्लो आराम से उतरेगा उतना अच्छा है, स्लो और स्लो, होल्ड करके 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 रिलैक्स, ठीक है, जितना आप होल्ड करके उतरोगे उतना अच्छा है। एक बार मैं भी करता हूँ हट, इनका वर्क करके बॉडी इनकी बहुत वीक हुई पड़ी आज और बहुत उमस हो रही है, उमस मतलब कह सकते हैं कि गर्मी निकल रही है ग्राउंड से, ठीक है, मेरे भी बेफालतू का पसीना आ रहा है ठंडा मौसम होने के बाद ही। चलो मेरे हाथ खुद भर गए, देखो अब गए, अब जाने बाद बिल्कुल स्लो, ठीक है, जितना आप ऐसे स्लो करके उतारोगे उतनी आपके हाथ में, देखो जिम में आपने जिम वाले देखे होंगे उठाते हैं बिल्कुल स्लो छोड़ते हैं, इससे पावर बढ़ती है ना कि ऐसे ऐसे करने से, ठीक है, ऐसे ही पुलअप है। अब लटको फास्ट चढ़ो आराम से उतरो, ठीक है समझ गए ना, समझ गए ना। अब इसका ही इजी वेरिएंट, किसी पे तो एक भी पुलअप नहीं लग रही, ठीक है, वो क्या करेगा लटक जा फटाफट, लटक लटक आ जा, कैमरामैन पास लिया, पैर दे मेरे को अपने, हाँ बॉडी आगे रख, घुटने मोड़ कर, इतने नहीं वैसे अंदर कर घुटने, हाँ ऐसे ऐसे इस साइड लिया, टेढ़ा लिया, चढ़ ऊपर, अब ये आसान है वो आसान था, उतर आराम से, ये आसान है वो आसान था, ये आसान है, चल ठीक है, जिसको अगर आसान करना हो पैर पकड़ लो एक्स्ट्रा लगवा लो, उतर उतर शाबाश, एक और लगा शाबाश, रिलैक्स उतर जा,
इसमें आप ना एक चीज कर सकते हो, जैसे आपने 5-6 लगा ली, आप पे एक्स्ट्रा नहीं लग रही, आपका पार्टनर पैर पकड़ लेगा, उससे आपकी 1-2 पुलअप और एक्स्ट्रा लग जाएंगी। और पुलअप लगाने के लिए ये एक्सरसाइज जिसने भी कर ली, इतनी भी बहुत है, इतनी तो कर लेंगे सब। जिसने ये एक्सरसाइज कर ली उसकी पुलअप बढ़ जाएगी। खाली आप इस चक्कर में यूट्यूब के जो और लोग हैं उन चक्कर में मत फंसो, वो जो बोल रहे हैं कि पैर पकड़ लो बस ये करते रहो करते रहो, ये पुशअप्स और ऐसे हाथ में पावर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। पुशअप भी लगाओ और हाथों से अपना जोर भी लगाओ, जिसे हम कहते हैं पहलवानी, पहलवान जो करते हैं, ठीक है। ये करोगे तो पुलअप आपकी बढ़ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।